बैठिए बैठिए सर बैठिए सॉरी बापरे आपको लगी तो नहीं लगी लगी बड़ी जोर की लगी सॉरी सॉरी सर सॉरी क्या सॉरी सॉरी जेठाला जी आप तो बता रहे थे कि आपका स्वाब जो है नंबर वन है कर्मठ है काम को भक्ति मानता है अरे ये होती है भक्ति नहीं यहाँ तो भक्ति के नाम पे नाच गाना चल रहा है सॉरी सर सॉरी अरे क्या सॉरी वाधुवा जी बराबर बोल रहे क्या चल रहा था दुकान में बोल सिर जी मैं दरअसल वो अरे वो क्या कर रहा बता मैं बताती हूँ बाहुरी तू मिस्टर जेठालाल आपने तो बोला था कि आपके यहाँ पे दो लोगों का साथ यहाँ तो तीन है मतलब आपने मुझसे झूठ बोला नहीं नहीं ये मेरी स्टाफ नहीं है तो मैं इनकी स्टाफ नहीं हूँ मैं इनकी मंगेतर हूँ नहीं मेरी नहीं ये इसकी मेरी मेरी मंगेतर है मेरी भावरी तू यहाँ क्या कर रही है मैं पेठे देने आई थी इसने मिठाई का चालू किया नहीं नहीं सेठ जी वो दरअसल बावरी जी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में फर्स्ट आए ना इसलिए पेड़े देने आए हैं ये लीजिए पेड़े लीजिए टेटालाल जी टेटालाल आपने तो बोला था कि आपका नाम जेठालाल है दो नाम मतलब इसमें भी झूठ नहीं नहीं मेरा नाम जेठालाल है वादुआ जी तो फिर इन्होंने अभी आपको टेटालाल क्यों बोला वो उसके वायरिंग में थोड़ी गड़बड़ है उसको नाम ठीक से याद नहीं रहते तो बात करते करते जो भी नाम दिमाग में आता है ना वो नाम से संबोधन करती है अभी उसको छोड़िए ना आइए बैठा आइए नहीं आप बैठे रहिए आप बैठे रहिए पका ले चलो ये कुर्सी उधर ले आराम से अरे धक्का मार रहे क्या सॉरी आराम से उठिए बैठिए कुर्सी 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 इधर ही बैठ जाइए बैठ जाइए बस हो गया बस हो गया बस मेरी बैग कहाँ है? बैग 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 बराबर बैग हाँ चल अभी बैग में से सब कागज निकालिए हम डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं अरे कौन सी डीलरशिप कितनी जोर से मार लगी है देख इनकी याददाश्त चली गई तेरे बाप रे अरे कोई याददाश्त नहीं गई है मेरी अरे वाह याददाश्त नहीं गई है चल ठीक है निकालिए कागजात हम लोग डीलरशिप की कार्यवाही शुरू करते हैं अरे काय की डीलरशिप मिस्टर जेठालाल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ये लगता है कि मैं आपको डीलरशिप दूंगा कतई नहीं अब तो मैं अपनी कंपनी में जाकर सबको बता दूंगा टीम को कभी भी कोई भी डीलरशिप ना दे अरे ऐसा मत बोलिए प्लीज रुकिए अरे रुकिए अर्जेंट प्लीज रुकिए ना विधवा जी अरे ये यहाँ आई तू यहाँ आई क्यों तुझे कितनी बार बोला है दुकान में नहीं आने का नहीं आने का फिर भी चली आती है अरे तेरी वजह से देखा ना कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई मेरे मेरी वजह से मैंने क्या किया मैंने क्या किया अरे तूने वो
बेचारे विधवा जी वाधवा जी के ऊपर ये बाका को फेंका। नहीं नहीं मैंने फेंका नहीं, वो तो हम खुशी के मारे झूम रहे थे, तब मैंने आपको आते हुए देखा और डर के मारे बागेश्वर जी मेरे हाथ से छूट गए। अरे पर तू यहाँ आई है क्यों? वो तो बागेश्वर जी ने बताया ना कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में फर्स्ट आई हूँ। अरे भाई तू इंग्लिश में फर्स्ट है, चाइनीज में फर्स्ट है या जापानीज में फर्स्ट है, मुझे उससे क्या। चल अभी खड़ी क्या है, निकल। सेठ जी प्लीज जरा शांत हो जाइए, जो भी हुआ अनजाने में हुआ। आप एक 5 मिनट लेट आते तो ये सब कुछ होता ही नहीं। बावरी जी हमें पेड़े खिला के बस निकल ही रहे थे, उतने में आप आ गए और अरे वाह, मतलब ये जो कुछ हुआ उसमें मेरा कसूर है। मुझे ये आना नहीं चाहिए था, मैं आया वो गलती हो गई मुझसे। मेरी दुकान में मैं आया वो मुझसे गलती हो गई है। यहाँ आने से पहले मुझे तुझे पूछना चाहिए था, भाई मैं मेरी दुकान में आना चाहता हूँ, आऊं? नहीं नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है, 5 मिनट लेट आते का क्या मतलब है तेरा, क्या मतलब है तेरा? अब जाइए ना। आपसे नहीं कह रहा हूँ सेठ जी, बावरी जी आपसे कह रहा हूँ, आप जाइए ना प्लीज। Nonsense! बागा, सेठ जी के लिए कुछ ठंडा लेके आ। अरे कोई ठंडा नहीं पीना है मुझे। तो गरम चाय पी लीजिए सेठ जी, गरम गरम मसाला वाली रजवाड़ी चाय पीजिए, मन शांत हो जाएगा। बोलिए मेहता साहब। क्या हुआ जेठालाल, इतने उखड़े उखड़े क्यों? क्या बताऊं मेहता साहब, मत पूछिए। ओहो, लगता है कुछ बहुत बुरा हुआ है तुम्हारे साथ। अरे बहुत बुरा नहीं, भयंकर बुरा हुआ है। क्या बात कर रहे हो, क्या क्या हुआ, क्या क्या बताऊं क्या हुआ। वो ये बावरी की वजह से इतनी बड़ी डीलरशिप हाथ से चली गई, बोलो। ये तो वाकई में बुरा हुआ। चलो चलो। हाँ मैं तो फोन रखता हूँ। अरे तो फोन आपने क्या ऐसे ही किया था? नहीं नहीं मुझे कुछ काम था, लेकिन तुम्हारा ये हादसा सुनकर भूल गया, याद आता है तो फोन करता हूँ। ठीक है। ये क्या है? ये छाछ है और ये चाय है। वो मुझे भी दिख रहा है, दोनों साथ में क्यों लाया है, दोनों साथ में मिक्सिंग करके पीना है? नहीं नहीं अगर आपको दिमाग एकदम ठंडा करना हो तो छाछ पीजिए, और अगर दिमाग एकदम शांत करना हो तो चाय पीजिए। किसका आइडिया है? बावरी का है ना? वो अभी तक गई नहीं, बाहर ही खड़ी है। अरे अरे यार तू फिर अंदर क्यों आ गई बावरी? तुझे मना किया ना दुकान में अंदर नहीं आने का। ठीक है नहीं आऊंगी, पर पहले आप मुझे माफ तो कर दीजिए। नहीं करूंगा, तुझे हरगिज माफ नहीं करूंगा। पर मैंने सॉरी तो बोल दिया। अरे मुझे तेरी सॉरी और तू दोनों मेरी दुकान में नहीं चाहिए। बागेश्वर जी बागा, प्लीज प्लीज भाई तू इसको बोल, मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको बोल यहाँ से जाए प्लीज। बावरी जी प्लीज आप जाइए, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। बावरी बेटा गो। आइए 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 बावरी जी आइए, चलिए
भागा, किसी दिन इस बावरी की वजह से हमारी छुट्टी हो जाएगी। बराबर है नटू काका, लेकिन समझ में नहीं आता है क्या करूं। बात कर, उसे समझा, कड़ी कड़ी दुकान में ना आए। अब तो बावरी जी को समझाना ही पड़ेगा, उनकी वजह से आज दुकान में बहुत गड़बड़ हो गई। मेरी वजह से क्या गड़बड़ हुई? इट्स ट्रू, आज तुम्हारे आने की वजह से आज से बड़ी डीलरशिप चली गई। हाँ बावरी जी, आपने मेरा हाथ नहीं छोड़ा होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अरे वो तो मैंने सेठ जी को दुकान में आते वक्त देख लिया, इसलिए हाथ छूट गया। वरना आपको तो पता है मैं जिंदगी में आपका हाथ कम भी नहीं छोड़ सकती। अरे जिंदगी का छोड़ो, आज जो हाथ छूटा है उसकी बात करो। हाँ बावरी जी, आपको पता है सेठ जी कितने नाराज है। सेठ जी मेरी वजह से नाराज है ना? ओबियो, तो उनको मनाऊंगी भी मैं ही। कैसे? वो सरप्राइज है, मुझे है ना बहुत ही जबरदस्त आइडिया सूझा है। क्या आइडिया सूझा है? अरे कहा ना कि सरप्राइज है। चलिए बागेश्वर जी, अभी के अभी गोकुलधाम जाते हैं। नहीं बावरी जी, इस वक्त हम सेठ जी के घर गए तो वो और गुस्सा करेंगे। नहीं करेंगे, मेरे पास जो आइडिया है ना उससे सेठ जी का मूड एकदम अच्छा हो जाएगा। चलिए सुनिए। बागेश्वर जी। ये टेंशन राम, इस टेंशन में तुझे कितनी बार बोला है सेठिया, ये दुकान का टेंशन घर पे मत लाया कर। बापूजी मैं तो नहीं लाना चाहता हूँ, लेकिन ये टेंशन इतना जिद्दी है ना, दरार आ जाता है मेरे साथ घर पे। शांति रख, शांति रख, और अब शांति से बता क्या हुआ। क्या बताऊं बापूजी, क्या हुआ? इसीलिए अभी मैंने तय किया है कि मैं बावरी को दुकान में आने ही नहीं दूंगा। नमस्ते बापूजी। नमस्ते सेठ जी। अरे दुकान में आने से मना किया तो घर आ गई। बेटिया आओ, भगा बावरी बैठो। कैसे आना हो बापूजी? हम माफी मांगने आए हैं। नहीं मिलेगी माफी, हरगिज नहीं मिलेगी। सेठ जी बड़े सयाने कह के गए हैं, जो बीती बातों को भूल जाते हैं वही नए भविष्य का निर्माण कर पाते हैं, है ना बापूजी? बड़े सयानी ये भी कहकर गए हैं, हमें बीते हुए कल के बारे में नहीं आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए, है ना बापूजी? हाँ। अरे बापूजी आप इसके बातों में कहाँ हमें भर रहे हैं। एक जगह आप बापूजी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी करके इस मामले से आप दूर रहिए प्लीज। नहीं नहीं पास आइए। मतलब इस मामले से दूर मत जाइए, हो सके उतना नजदीक रहिए। क्योंकि क्या है, बड़े सयाने कह के गए हैं, जो तजुर्बेबाज बड़े होते हैं वही भटके हुए लोगों को सही राह दिखाते हैं। मतलब तू कहना क्या चाहता है, मैं भटका हुआ हूँ? नहीं नहीं, अरे भटका हुआ मैं नहीं, ये तेरी बावरी भटकी हुई है। कितनी बार इसको बोला है दुकान में नहीं आने का, फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के दुकान में आ ही जाती है। तो लेकिन क्या करें सेठ जी, आप तो जानते ही हैं दुकान के काम की वजह से हम दोनों मिल नहीं पाते, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते,
इसलिए बावरी जी थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे मिलने आ जाते हैं दुकान में। अच्छा, मिल ही नहीं पाते? रविवार को तो छुट्टी होती है, उस दिन क्यों नहीं मिलते तुम दोनों? अरे लेकिन वो छुट्टी सिर्फ कहने की छुट्टी होती है। या तो आप मुझे कभी कभी डिलीवरी के लिए भेजते हो या तो फिर सर्विसिंग के लिए। अच्छा बेटा, रविवार को मैं तुम्हें काम देता हूँ वो तुम्हें याद रहता है, लेकिन रविवार के पहले चालू दिनों में मैं तुझे छुट्टी देता हूँ वो याद नहीं है। कौन सी छुट्टी? एक बार पूनम के दिन तुझे अम्बा माता जी के मंदिर दर्शन करने जाना था, तो मैंने छुट्टी दी थी कि नहीं है? वो भी चालू दिनों में, वो भी एक दिन की नहीं, तीन दिन की। उसके बाद चालू दिनों में एक बार पावरी को लेकर लोनावाला जाना, तो दे दी मैंने छुट्टी, दी थी कि नहीं? देख भाई, सौ बात की एक बात, मुझे अभी बावरी दुकान में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए बस। ऐसा क्या कर रहे हैं सेठ जी? हाँ बापूजी, समझाइए ना पेट जी को। पेट जी नहीं, सेठ जी। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। एक तो तू अभी ये गलती से मिस्टेक हो गई बोलना बंद कर ये। अब देखो तब गलती से मिस्टेक हो गई। अरे तेरी ये गलती से मिस्टेक हो गई की वजह से मुझे आज कितना बड़ा नुकसान हो गया, कितनी बड़ी डीलरशिप हाथ से गई, पता है कि नहीं? हाँ पता है ना, इसीलिए तो बेचारे बावरी जी आपसे माफी मांगने आए हैं। कर दीजिए ना। हरगिज नहीं सेठ जी प्लीज। मैंने बोला ना, माफी नहीं मिलेगी। नहीं कैसे मिलेगी, आपको देनी पड़ेगी। माफी देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अरे पर मुझे मेरा अधिकार नहीं वापरना है तो? नहीं, आपको वापरना पड़ेगा। अजीब जबरदस्ती है। देखिए, अब कोई भी चीज लंबे समय तक ना वापरो ना तो पड़े पड़े बिगड़ जाती है, इसलिए वापर लीजिए ना। बागा, अभी कभी इसको यहाँ से ले जा, अभी कभी ले जा यहाँ से। सेठ जी, आप बावरी जी को माफ कर दीजिए, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। जैसे ही आप कहोगे बावरी मैंने तुम्हें माफ किया, किया का यह सुनते ही मैं और बावरी जी छलांग मार के घर के बाहर। मैंने बोला ना, माफी नहीं मिलेगी बस। ठीक है बस, अभी ज्यादा मत खींच, दे दे माफी दे दे। बापू जी, अरे भाई जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है, माफी दे दे। वो कहते हैं ना, क्षमा वीरस्य भूषणम्, क्षमा वीरों का आभूषण होता है, माफ करने वाला माफी मांगने वाले से ज्यादा बड़ा होता है। पर मुझे नहीं बनना है बड़ा बापूजी। तुझे बड़ा बनना पड़ेगा। मैं जब गांव में था तो कितनी बार माफी दे देकर बड़ा बना हूं। अच्छा, कितनी बार? होगा कोई 15-20 बार। वो 15-20 बार? वो हमारा एक दोस्त था लालू, हम जब खेत में काम करते थे तो हमेशा कुछ ना कुछ लेकर आ जाता था, कभी चाय लेकर आ जाता था, कभी नाश्ता लेकर आ जाता था, हम सबका टाइम खराब कर देता, कभी हम सबको उस पर बहुत गुस्सा आता था। सब लोग यही कहते थे कि इस लालू को ना कभी माफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं उसे हमेशा माफ कर देता था। पता है क्यों? क्योंकि वो दिल का अच्छा था। देखिए वैसे ही बावरी भी दिल की बहुत अच्छी है, है? और जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो अनजाने में हुआ है, है? दे दे माफी दे दे। गलती से मिस्टेक करने वाली बावरी पहुंच गई है जेठालाल के घर पे अपनी गलती की माफी मांगने, लेकिन जेठालाल का दिमाग प्रेशर कुकर से भी ज्यादा गर्म। अब क्या बावरी अपनी मीठी मीठी बातों से जेठालाल को बहला फुसला पाएगी? जेठालाल मेरा परम मित्र है, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से पिघलने वाला है। इसका मतलब क्या, बावरी का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना बंद? अरे बावरी है वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। भाई एक बार के लिए मधुमक्खी शहद बनाना छोड़ सकती है,
लेकिन बावरी का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में आना बंद नहीं हो सकता। और दोस्तों एक विशेष बात, दर्शकों आज बैसाखी है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों एक तरफ जेठालाल आग बबूला हो रखा है तो दूसरी तरफ बावरी पूरी कोशिश कर रही है कि वो जेठालाल के गुस्से को शांत कर दे। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।